नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2021 के 41वें मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 28 सितंबर 2021 को साझा क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों आप मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो सुल्तान क्रिकेट प्रेडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार कर आ रहे हैं 5 विकेट से और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, इयान मॉर्गन, राहुल त्रिपाठी, नितेश राणा, दिनेश कार्तिक इनके बैट्समैन है, आंदर रसेल, सुनील नारायण इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, लोकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों राहुल त्रिपाठी ने 45 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों नितेश राणा ने भी 37 रन बनाए थे। दोस्तों सुनील नारायण ने बढ़िया बॉलिंग की थी, 3 विकेट लिए थे और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, 1 विकेट लिया था। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं 33 रन से राजस्थान रॉयल्स से और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम ऋषि पंत, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, सुरेश अय्यर, सिमरन एटमायर, ललित यादव इनके बैट्समैन है, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, कगिस चोराबाड़ा, एर्नेज नॉर्थेज, आवेश खान इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों सुरेश अय्यर ने 43 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों सिमरन एटमायर ने भी 28 रन की पारी खेली थी और दोस्तों अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया था और एर्नेज नॉर्थेज ने दोस्तों बढ़िया बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिए थे। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 27 मैच खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मैच जीते हैं। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का 210 रन का हाईएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और दिल्ली कैपिटल्स का 228 रन का हाईएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का 97 रन का लोएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और दिल्ली कैपिटल्स का 98 रन का लोएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14 में से 7 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि 7 मैच ही बाद में बैटिंग करते हुए जीते और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 13 में से 5 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि 8 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में एक मैच पहले हो चुका था, जिसको दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैच जीत करा रहे, जबकि दोस्तों 2 मैचों में हार करा रहे और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 4 मैच जीत करा रहे, जबकि दोस्तों 1 मैच में हार करा रहे हैं। और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 2 सालों में 3 मैच हुए, जिनमें से 1 मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, जबकि 2 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते। दोस्तों आज की हमारी फैंटेसी टीम होने वाली है माई 11 सर्किल ऐप पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेजेंड VVS लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे, सौरव गांगुली, सैन व्हाट्सएप और राशिद खान के साथ आप खेल सकते हो। और दोस्तों अगर आप VVS लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो दोस्तों आपको 5 गुना कैश बोनस भी आपको मिलेगा। और दोस्तों स्पेशली यहाँ पर इंडियन T20 लीग के लिए 5 करोड़ का कॉन्टेस्ट ओपन है, अगर आप जीत पाओगे तो दोस्तों आप 5 करोड़ भी जीत सकते हो। और दोस्तों आपको पता है यार, खेलने के लिए चाहिए होते हैं पैसे और उसके लिए आपको फ्री कैश बोनस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा। साथ में दोस्तों आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश बोनस मिल जाएगा। और दोस्तों हाल ही में ये भाई लोग करोड़पति बने, तो दोस्तों अगला नाम आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। साथ में दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेले और अपनी जोखिम पर खेले। दोस्तों यह मैच साझा क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में होने वाला है, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं IPL में। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 57 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 19 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 37 मैच जीते यार। और दोस्तों यहाँ पर एक मैच टाई भी रहा है, यहाँ का एवरेज स्कोर 158 रन है। दोस्तों का हाईएस्ट स्कोर 228 रन पर 4 विकेट का, जो कि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का ही है। और दोस्तों यहाँ का लोएस्ट स्कोर 82 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 26 बार, 150 से 169 के बीच में 9 बार, 170 से 189 के बीच में 12 बार और दोस्तों 190 प्लस यहाँ पर 10 बार स्कोर गया है। दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दोस्तों इस मैदान में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। दोस्तों आज की फैंटेसी टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों वहां पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको देता रहता हूँ।
साथ में दोस्तों वहां पर मैं आपको ठोस की प्रिडिक्शन भी देता हूं। और दोस्तों कभी हमारी प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो मैं वहीं पर बताता हूं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो अभी तक इस सीजन में 10 मैच खेले, जिनमें से 4 मैचों में जीत दर्ज की और 6 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 4 पर इनका स्थान है। जबकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक इस सीजन में 10 मैच खेले, जिनमें से 8 मैचों में जीत दर्ज की और 2 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 2 पर इनका स्थान है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रिडिक्शन के बारे में, दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स 45% जीत सकती है, जबकि दोस्तों 55% इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों ही टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और दोस्तों बात की जाए अगर मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ही जीत सकती है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अगर अभी तक आपने माय इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो दोस्तों आपको 1500 रुपए का कैश बोनस भी मिलेगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।